कमजोर गाय कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई थी काफी देर के बाद एक कौआ और कौँ वहां आते हैं। उन कविओं से कहती है कौँ ओ, कौँ ओ, मैं इस कांटेदार झाड़ियों में फंसी हुई हूँ मुझे निकालो यहाँ से बिना फायदे के मैं और मेरी गोरी कोई काम नहीं करते तुम पहले बताओ दूध देती हो ना मेरे पास दूध नहीं है इसलिए तो मेरे मालिक ने मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दी अगर आप मेरे को हरी हरी घास दोगे और नदी का ठंडा पानी पीने के लिए दोगे तो मैं बाल्टी भर भर के दूध दूंगी आलू ये हमें कोई फायदा नहीं देने वाली हम इसकी इतनी सेवा करें तब ये हमें बाल्टी भर के दूध देगी चलो चलो यहाँ से चलो कौआ और कवि गाय की कोई मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं और गाय बेचारी फिर से रोने लग जाती है मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुक् दाना लेने के लिए अपने घर से निकले हुए थे उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटे उसी गाय के पास आ जाते हैं गाय चिड़िया से कहती है चिड़िया चिड़िया मैं फंसी हुई हूँ कांटेदार झाड़ियों में तुम मेरी मदद करो मैं बहुत तकलीफ में हूँ मम्मा वो गाय मुश्किल में है हमें उसकी मदद करनी होगी लेकिन बेटा हमारे पास तो कुल्हाड़ा ही नहीं है जाओ और कुम्हार पक्षी से कुल्हाड़ा लेके जल्दी से आओ फिर कुक्ार पक्षी के पास कुल्हाड़ा लेने जल्दी से चला जाता है गाय मेरा बेटा कुकू झाड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ा लेने गया है वो जैसे आता है हम काटेदार झाड़िया काट कर आपको बाहर निकाल लेंगे ये सुनकर गाय को थोड़ा राहत मिलती है कुकू कुल्हाड़ा लेकर जल्दी जल्दी अपनी माँ रानो के पास जाता है मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी कुल्हाड़ा से उन झाड़ियों को काटती है और बेचारी गाय को बाहर निकालती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। आपका घर कहाँ है मुझे मालिक ने बिना खाए पिए घर से निकाल दिया मैं बहुत कमजोर हो गई थी मालिक घास देता था और ना पानी अम्मा, क्यों ना ये प्यारी गाय को हम अपने घर ले जाए मैं इसे घास भी दूंगा और पानी भी गाय गाय आप हमारे साथ चलोगी अगर आप मुझे अपने साथ ले जाए तो मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी फिर चिड़िया उस गाय को अपने घर ले जाती है और अपने पेड़ के नीचे बांध देती है और जंगल से हरी हरी ताजी घास लाके उसे खाने को देती है ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो गाय अच्छी मोटी ताजी हो जाती है और वो गाय चिड़िया को बाल्टी भर कर दूध भी देने लग जाती है मम्मा मम्मा ये दूध हमारे जरूरत से ज्यादा है क्यों ना बचा हुआ दूध हम जंगल के बाकी पक्षियों को बेच दिया करें बेटा कुकू बात तो ठीक कह रहे हो तुम चिड़िया अपना दूध जंगल के बाकी पक्षियों को बेचने लग जाती है ये सब देखकर पड़ोसी कौवे चिड़िया से जलने लगते हैं। अगर चिड़िया ऐसे ही दूध बेचती रही तो वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी हो जाएगी उस दिन अगर हम गाय को झाड़ियों से निकाल कर लाए होते तो वो गाय आज हमारी होती क्यों ना हम रात को जाएं और चिड़िया की गाय चुरा कर ले आते हैं ये गाय तुम्हारे मामा जी के पास रख देंगे और चिड़िया को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गाय कहाँ है रात हो जाती है कौआ और कवि अपने घर से निकलते हैं। गोरी कवि गाय के आँखों पर पट्टी बांध देती है कौन है कौन हो तुम गाय मैं हूँ तुम्हारी मालकिन चिड़िया गाय शांत हो जाती है कालू कौआ गाय की रस्सी खोलकर उसे अपने साथ ले जाता है मामा जी मामा जी ये गाय अपने पास रखे गाय हम चिड़िया के पास से चुरा कर लाए हैं आधा दूध मेरा आधा दूध तुम्हारा और भांजे घास भी एक दिन में दूंगा और एक दिन तुम और तुम्हारी पत्नी ठीक है मामा जी ठीक है अब हम अपने घर जाते हैं सुबह हो जाती है मम्मा गाय नहीं है कुकू की मम्मा भी दौड़ी दौड़ी घर से बाहर आती है कुकू बेटा हमारी गाय कहाँ गई? कहाँ गई? हमने बहुत मेहनत से उसे ताजे ताजे घास खिला खिलाकर मोटा ताजा किया था कौन चुरा कर ले गया हमारी गाय को कालू का मामा दूध निकालने के लिए गाय के पास आता है मगर गाय तो टांगे मारे जा रही थी गाय गाय खड़ी हो जाओ सीधे से क्यों टांगे मार रही हो मेरा दूध निकालने से पहले मेरी आंखें खोलो तभी मैं दूध दूंगी मामा जी गाय के आंखों से पट्टी खोल देते हैं तुम तुम तो हो और मैं कहाँ हूँ अब तुम यही रहोगी मेरा भांजा तुम्हें आज रात ही चुरा कर लाया है गाय गुस्से में आ जाती है और कालू के मामा को एक लात खींच के मारती है मामा जी दूर जाकर गिरते हैं गाय अपनी रस्सी तोड़ा कर वहाँ से भागती है भागती भागती वापिस चिड़िया के पास जाकर रुकती है मम्मा मम्मा देखिए हमारी गाय वापिस आ गई। वो कौए मुझे चुरा कर ले गए थे लेकिन मैंने भी जोरदार लात मारी है उस कौं के सर पर। लू, उस गाय ने मुझे मार दिया और वहाँ से भाग आई हाँ उसे हाथ भी ना लगाना वरना वो हम सब को मार देगी फिर वो गाय कुकू और उसकी मम्मा चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहती है यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा आपका धन्यवाद